हेलो, मेरा नाम हर्ष कुमार है। मैं आप लोगों को अभी लंग्स एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं कोविड पॉजिटिव था लास्ट ईयर, तो मैंने ये एक्सरसाइजेस किया था क्योंकि मेरे नाक जाम था, मुझे कफ था, तो लिटिल बिट ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो आप लोग देखिए, ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर करना है। फर्स्ट आप ऐसे बैठ जाइए स्ट्रेट, और एक नाक का होल बंद करके दूसरे होल से आपको सांस खींचना है अंदर, और फिर थोड़े सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए और दूसरे नाक से रिलीज कीजिए। पूरे एनर्जी, पूरे पावर के साथ रिलीज करना है। जितना आपने ब्रीद इन किया उतना पूरा रिलीज होना चाहिए। फिर अगेन पूरा हिम्मत से खींचिए। कहीं ना कहीं कंजेशन है, जी हाँ। तो ये करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है मैं एकदम बहुत ज्यादा, मेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है, मेरे आंख के देखने की क्षमता ऐसे लग रही मुझे बढ़ गई है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट बैठ जाइए, बॉडी की पूरी एनर्जी के साथ सांस जोर से खींचना। पूरी एनर्जी के साथ बॉडी मूवमेंट क्यों रिक्वायरमेंट है? जब आप बॉडी मूवमेंट के साथ करेंगे तो आप ज्यादा एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है और फुल कैपेसिटी में पहुंचना जरूरी है। तो देखिए, ये हो गया दूसरा एक्सरसाइज, और अब तीसरा एक्सरसाइज। इसमें भी आपको स्ट्रेट बैठ जाना है। नाउ आपको ब्रीद आउट करना है, बाहर की तरफ सांस छोड़ना है। ये मैं सांस ले रहा था, ये देखिए, हाथ को ऐसे विंग्स की तरफ फैला लीजिए, और आपको बॉडी के पूरी एनर्जी के साथ छोड़ना है। ऐसे लग रहा है आप किसी को धक्का दे रहे हैं बहुत जोर से, ये देखिए। मुंह को क्लोज रखना है, आप माउथ को क्लोज रखिए और नाक से जोर से सांस छोड़िए। टेन टू फिफ्टीन रेपिटेशंस हर एक्टिविटी को करना है, 3 टाइम्स। जैसे मैंने ये एक बार अभी किया 15 बार, फिर दो तीन एक 10 सेकेंड्स रुक के 15 बार फिर सांस छोड़िए, फिर 10-15 सेकेंड रुक के 15 बार फिर सोचिए। सो ऐसे 3 एक्सरसाइजेस को करना है, 3 रेपिटेशंस। दिन में 3-4 बार आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आप करने के बाद देखेंगे कि आपको ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही है, ईजिली मैं ले पा रहा हूँ सांस। और ये लेने के बाद क्या होगा कि ये जो रूट है हमारा ब्रीदिंग का, फ्रॉम नोज टू फेफड़े तक, वो पूरा क्लियर हो जाता है। मैं ये रेगुलर 4-5 बार अभी कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा थक सा गया। एनीवे, ये करने के थोड़ी देर के बाद आप स्टीम ले लीजिए, मुंह से भी नाक से भी ढक के, क्योंकि अभी अभी आपका जो ब्रीदिंग रूट है वो पूरा क्लियर हुआ है। जब आप स्टीम लेंगे तो वो स्टीम जो है पूरा अंदर तक जाएगा और बहुत फायदा करेगा। ये करने के बाद स्टीम जरूर लें।